सो गाइस, बैग वैग रेडी हो चुका है, हम जा रहे हैं यहाँ से मुंबई। मुंबई में मुझे एक दो काम है और फिर वहाँ से चलेंगे सूरत, अपने गांव। ओके, सो ये रही हमारी बाइक जो कि फुल्ली लोडेड तैयार हो चुकी है। और प्रयास भाई आ रहे हैं मिलने को, तो प्रयास भाई से मिलते हैं उसके बाद में। सलाम, तो मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग में। सो गाइस, ये हमारे प्रयास भैया हमको बाय बाय कहने के लिए आए हैं। बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ राइड में, नेक्स्ट प्लान करो। मुझे भी सीखने के लिए आपसे बहुत कुछ मिला, इंशाल्लाह ऐसे राइड करते रहेंगे। और संडे की राइड की राइड पे जाना आप, कल जो राइड है ना उसके ऊपर जाना आप। मैं होता तो शायद मैं जाता, बट अगेन बैक टू वर्क। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। सो गाइस, अभी जो है हम आ गए हाईवे के ऊपर। और इमेजिन करिए, जो मैंने देखा वो माइंड ब्लोइंग था। 135 किलोमीटर्स का मेरा रन है और बता रहा है 3 hours 56 minutes, तो ट्रैफिक कितना होगा। कोई बात नहीं सर, जाना है तो जाना है। एनीवेज, मैं जब निकला तो प्रयास भाई मिलने आए, बेचारे खास करके वो मुझे मिलने आए और आप कह सकते हो कि वादा करने आए, बाय बाय बोलने के लिए आए। और बिल्कुल ही सिंपल बंदा, इनके साथ मैं इतने दिनों से रहा, लगभग ये मान के चलो कि इनके साथ मैं एक महीना रहा। बट आई डिडंट फील कि वो अलग मज़हब से है या मैं अलग मज़हब से हूँ। हम दोनों साथ में रहे, साथ में टूर किया। ओके, और बहुत ही मज़ा आया हमें। को मजा आ जाएगा ये देख के, इतने नजदीक पहाड़। और अभी जो हम पूरा साउथ इंडिया का राइड मार के आए ना, तो उसके बाद तो जो है ये नज़ारा देखने से बनता है भाई, मजा ही आ जाता है ऐसे पहाड़ वहाड़ देख के।
सो गाइस देख रहे हो आप, इसके वजह से जो है वो 4 घंटे दिखा रहा था। मतलब ट्रैफिक इतना जाम है आगे कि आप जा ही नहीं सकते। अभी वो पता नहीं किसकी वजह से, और आई वाज सो अफ्रेड आज मैं नहीं जा पाया तो, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट है। सो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम हो रहा था वो टोल की वजह से ही हो रहा था। मे बी दे आर चेकिंग समथिंग, कुछ तो टिप आया होगा उनको। और यहाँ पे भी देखिए आप, राइट साइड के ऊपर है, यहाँ पे फुल जाम है भाई। थैंक गॉड मैंने 4-व्हीलर नहीं खरीदा और मैं बाइक पे हूँ। तो गाइस हम लोग अभी जो है लोनावाला से बाहर निकलने वाले हैं। ये नज़ारा आया बिल्कुल भी तो मुझे ऐसा लगा कि कैमरा ऑन करना चाहिए, सो किया। वाह भाई साहब, नीचे भी ट्रैफिक है यार, बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई आज। अभी मैं लोनावाला में इतना अटका पड़ा ना कि मुझे जो है 2 या 3 किलोमीटर का पैच पार करने में आधा पौन घंटा लग गया। मतलब इमेजिन कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और इमेजिन कि आप प्लान कर रहे हो सैटरडे संडे जाने को, वो भी लोनावाला जैसे सिटी में। ये कौन है जो सैटरडे संडे प्लान करके आ रहा है? हाँ मुझे पता है जो जॉब करते हैं वो लोग सैटरडे संडे आते हैं, बट भाई साहब आप छुट्टी लेके आओ ना वीकडेज में। आप क्यों आ रहे हो इतने ट्रैफिक में यार? हमको तो काम है तो हम निकले हैं, और काम वाले कितने होंगे? 40%, 50%, बाकी सब घूमने फिरने के लिए आए सर। इमेजिन करिए आप यहाँ पे आते हो और पूरा चक्का जाम है, आपका घूमने की तो ऐसी तेजी हो जाएगी। मैं हंस रहा था बैठे बैठे, ये ट्रैफिक इतना जाम था कि नींद कर पा रहे थे। तो भी हम साइड पे से थोड़ी थोड़ी जगह में से निकल लेते हैं, मगर इन 4-व्हीलर की आप भी थी कौन बताएगा आपको? भाई इन्होंने खरीद तो ली भारी भारी, भारी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी डस्टर से लगा के, अर्टिगा से लगा के, स्विफ्ट से लगा के, क्या क्या पता नहीं क्या क्या लगा के, बट
ये बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रैफिक ना हो इसके लिए कुछ करती है क्या? कुछ भी नहीं, तो हम खरीद रहे भाई। हम ऐसे है ना, हमारे पास एक फोर व्हीलर है तो हमको दूसरी भी खरीदनी है क्योंकि नई लॉन्च हुई। इमेजिन दिस, जो लोग एक भी नहीं खरीद पा रहे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो खरीद रहे हैं लोग, जो खरीद सकते हैं आफ्टर वन, एक खरीदने के बाद भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई प्लीज कमेंट में ना लिखना, तेरे को क्या पता, बहुत से लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो गाड़ी खरीदने की बात कर रहा। सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो दो खरीद सकते हैं। इमेजिन दिस, वो लोग दो दो तीन तीन गाड़ियाँ खरीद के रखे भाई, और ऐसी ट्रैफिक में लेके निकलेंगे वो गाड़ियाँ, भारी भारी गाड़ियाँ, तो क्या हालत होगी? जस्ट इमेजिन। So basically they are routing us on expressway. Imagine this, अगर गलती से मैं ये ले लिया होता आगे, ओके मन से, तो मुझे फाइन मार लिया होता। अभी वो लोग भेज रहे तो प्रॉब्लम नहीं, बट एनी वेज अपना तो फायदा है, तो अपन निकल लिए, कोई दिक्कत ना आ रही। जान में जान आई मेरी, अभी ख़त्म हो गया एक्सप्रेसवे, तूने हमको एक्सप्रेसवे पे डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो है मेरा कम से कम, ये बात मान के चलो, 25 मिनट्स बच गया ऑन मैप। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। बट मेरा बाइक तो जो है यार फोर व्हीलर से कम है के। अभी जो है 43 किलोमीटर्स रह गए और टाइम जो बता रहा है 1:23, मतलब डबल ही पकड़ के चलो। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग हियर, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आई थिंक 2 इयर्स। मुंबई की फिजा अलग होती है भाई, मुंबई का वाइब्स जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ये है माया नगरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई, आप देख रहे हो ट्रैफिक की हालत, पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है। ऑरेंज का तो मतलब पता होगा ना आपको, ऑरेंज का मतलब जो है ट्रैफिक है बट वॉकिंग है। अभी आगे आया लाल, लाल का मतलब ये है कि ट्रैफिक है और वहीं पे रुक, आगे मत जाइयो, क्यों? क्योंकि जाम है। और ब्लू का मतलब सीधा सीधा निकल लो भाई, तुम्हारे लिए रास्ता क्लीन करके हमने रखा है, साफ करके रखा है तुम्हारे लिए रास्ता। तो ये था आज का मैप का ज्ञान जो हमने पेल दिया।
सो गाइस आई हैव रीच्ड बेसिकली, सिर्फ 3 मिनट बाकी है मुझे पहुंचने में, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये था पुणे टू मुंबई मोटो व्लॉग, और मुंबई में पवई में मुझे जो है काम है, और किसी को मैंने अपॉइंटमेंट दे रखा है यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, आपने देख लिया होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। और आई थिंक सो ट्रैफिक इसलिए भी था क्योंकि जो है आज सैटरडे है। तो मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही मोटो व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाइकर मुस्तफ़ा का आप सभी को सलाम बॉस।